गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पद्य खंड में से चैप्टर 1 कबीर के पद पढ़ाऊंगी। कबीर के पद में आपने पूर्व कक्षाओं में भी कई बार पढ़े होंगे, इसलिए कबीर से तो आप परिचित होंगे। कबीर दास जी के विषय में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि जीवन परिचय हमारे सिलेबस में नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी का जन्म सन 1398 यानी 1398 वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके जन्म के बारे में कुछ किंवदंतियां हैं, कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि ये कहाँ पैदा हुए या किसके घर पैदा हुए। इनके बारे में कुछ ऐसा बोला जाता है कि ये नीरू और नीमा नाम के जुलाहे को लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले थे। उन्होंने इसको इनको पाल लिया, तो इनके धर्म के विषय में कुछ पता नहीं चलता कि इन्होंने किस धर्म में जन्म लिया। पढ़े लिखे ज्यादा थे नहीं है, इन्होंने स्वयं को भी काशी का जुलाहा कई कविताओं में बताया है। इन्होंने खुद ही कहा है अपने लिए कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, अर्थात मैंने कभी कागज नहीं छुआ ना कलम को पकड़ी। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने जो कुछ भी सीखा वो देशाटन और सत्संग किया, लोगों का अच्छे लोगों की संगति में बैठे, उन लोगों से जो ज्ञान प्राप्त किया उसी के आधार पर इन्होंने अपने दोहे अपने पद लिखे। किताबी ज्ञान के स्थान पर इन्होंने आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। इनकी रचनाओं में आपको सूफी संतों की बातों का बहुत प्रभाव मिलेगा। देशाटन किया यानी भ्रमण करते रहते थे, इधर उधर जाते रहते थे, इसलिए इनकी कविताओं में राजस्थानी, ब्रज भाषा, पंजाबी, पूर्वी भाषा और हिंदी की खड़ी बोली आदि भाषाओं का सम्मिश्रण पाया जाता है। वैसे भी इनका जो प्रधान वो है, ग्रंथ है, उसका नाम है ये सबद, जो नाम का इन्होंने सबद, रमैनी और साखी, ये तीन इन्होंने उसकी रचना की है काव्य की। उनमें से सबद के अंतर्गत इनके ये दोहे और पद आते हैं। तो कबीर ग्रंथावली में इनके साथी सबद रमैनी संग्रहित हैं। इनको कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसलिए इनको वाणी का डिक्टेटर भी बोला है, और इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है, और इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। उसमें पांच भाषाओं का सम्मिश्रण पाया जाता है, इसलिए उसे पचमेल भाषा भी कहा जाता है। अब मैं आपको इनका जो प्रथम पद है उसमें इन्होंने परमात्मा की सृष्टि के बारे में बताया है। उन्होंने परमात्मा को सृष्टि के एक एक कण में देखा है, और वैसे भी ये निर्गुण कवि थे, सगुण नहीं थे, मूर्ति के उपासक नहीं थे, ये भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हुए हैं। भक्तिकालीन युग में हुए ये, और ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्ति वो निर्गुण धारा के कवि रहे हैं। निर्गुण धारा इसलिए कहेंगे सगुण वो लोग हैं जिन्होंने कि भगवान को साक्षात उनकी मूर्ति या उनके स्वरूप को पूजा है, लेकिन इन्होंने किसी भी ईश्वर के स्वरूप की पूजा नहीं की, बल्कि इन्होंने भगवान को हर सृष्टि के कण में एक एक कण में व्याप्त माना है। वो कहते हैं कि ईश्वर एक शक्ति के रूप में है, उसका कोई रूप नहीं है, किसी भी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो सकता है, इसके साक्ष्य भी उन्होंने दिए हैं। तो प्रस्तुत पद इसी बात की ओर इंगित करता है
मैं आपको पहले कुछ पंक्तियां पढ़ के सुना रही हूं इसकी। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहें तिन ही को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। एक है खा गढ़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। तो इन पंक्तियों में आप देखिए, उन्होंने ईश्वर को एक ही स्वरूप में माना है। हम लोग धर्म की बात करते हैं लेकिन ईश्वर तो एक है, वो किसी धर्म का नहीं बल्कि सब धर्मों का। तो हम पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। हम तो यानी कबीर दास जी ने तो एक एक करी जाना, ईश्वर को सिर्फ एक ही स्वरूप में पहचाना। दो ही कहे हैं तिन ही को दो जग, जो लोग ईश्वर को दो रूपों में मानते हैं, जो लोग ईश्वर को धर्म के नाम पर बंटवारा कर देते हैं, वो लोग नरक के भागे होंगे। दोजक का मतलब होता है यहां पर नरक। जिन नाहीं पहचाना, जिन लोगों ने ईश्वर को नहीं पहचाना वो सब नरक के भागी होंगे, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। आगे वो कहते हैं एक है पवन, संसार में जो चल व्याप्त है पवन वो एक ही प्रकार की है। आप यहां पर भी उसको महसूस करेंगे तो हवा का एहसास होगा, उसको आपने देखा नहीं है लेकिन केवल आप एहसास करते हैं हवा का। और कहीं बाहर चले जाते हैं वहां भी वायु का एक ही स्वरूप है, एक ही एहसास है। तो वो कहते हैं कि सारे संसार में चलने वाली पवन एक है, एक ही पानी, और जिस जल का हम प्रयोग करते हैं वो एक ही है, जल का स्वरूप एक जैसा ही है। चाहे आप यहां पर पानी पीजिए, चाहे आप किसी विदेश में पानी पीजिए, कहीं भी जाकर पानी पीजिए, लेकिन जल का स्वरूप हमेशा से एक जैसा रहा है। तो वो कहते हैं कि पानी भी हमारी पृथ्वी पर एक जैसा ही है, वायु का स्वरूप भी एक जैसा ही है। एक है ज्योति समान, और जिस प्रकाश में हम सारे संसार को देखते हैं उसका भी एक ही स्वरूप है। आप देखो सूर्य एक है जिससे सारा संसार प्रकाशित होता है, तो वो प्रकाश भी पूरे संसार में व्याप्त एक ही सूर्य के द्वारा होता है, एक ही प्रकार का प्रकाश होता है, अलग अलग नहीं होते हैं। ये उन्होंने ईश्वर की एकता के लिए प्रमाण दिए हैं कि एक ही पवन बहने वाली हवा एक सी, एक ही पानी पीने वाला जल एक सा, और एक ही ज्योति समान, एक ही प्रकार का प्रकाश पूरे संसार में व्याप्त है। एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक है मीन्स एक ही प्रकार की, खाक का अर्थ है मिट्टी से, गढ़े माने निर्माण करता है, सब भाड़े माने सारे बर्तन। अब एक है कोहरा साना, एक है माने एक ही, कोहरा का अर्थ है तुम्हार, साना माने मिलाकर। तो यहां आपने देखिए कि उन्होंने तुम्हार का उदाहरण देकर समझाया है कि जिस प्रकार से एक कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी को सान कर सारे बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर पंच तत्वों के द्वारा ही समस्त व्यक्तियों का निर्माण करते हैं, जिनसे मानव शरीर की रचना हुई है वो पंच तत्व बताए जाते हैं। वो आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बताए दे रही हूं, पृथ्वी जल वायु अग्नि और हवा। पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये पांच तत्व हैं जिनसे संसार में मनुष्य की रचना बताई जाती है, ऐसा वेदों में लिखा है, ऐसा ही सारे संसार में माना जाता है। तो ठीक जिस प्रकार से एक कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी को सान करके विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने भी उन्हीं पांच तत्वों के द्वारा संसार में समस्त मानव जाति का निर्माण किया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे
अग्नि ना काटे कोई। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे बाड़ी, बाड़ी मीन्स बड़े, जिस तरह से बड़ी काष्ठ माने काठ या लकड़ी, लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता। अग्नि ना काटे कोई, अग्नि मीन्स आग, उसको नहीं काट सकता। इसी प्रकार से बाड़ी काष्ठ ही काटे, यानी जो भी विपत्तियां होती हैं या जो भी आपदाएं आती हैं हमारा शरीर झेलता है, शरीर को हम नष्ट कर सकते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन उसके अंदर छिपी हुई आत्मा कभी नहीं मरती, वो अजर है और अमर है। तो यही बात उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि काट के समान, जैसे कि बड़ा ही काट को ही काट सकता है, उसके अंदर छिपी हुई अग्नि को नहीं काट सकता, ठीक इसी अग्नि को कोई नहीं काट सकता, ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर को नष्ट किया जा सकता है लेकिन उसके अंदर में छिपी हुई आत्मा को कोई नहीं काट सकता। आगे की पंक्ति है, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। वो कहते हैं कबीरदास जी कि सब घटी यानी सबके हृदय के अंतर माने अंदर, तू ही व्यापक, तेरा ही अस्तित्व है, तू ही सबके हृदय में समाया हुआ है आत्मा के लिए। ईश्वर का निवास हर हृदय में होता है और धरे स्वरूप सोई, चाहे बाह्य स्वरूप कोई भी हो, चाहे हमारा बाह्य स्वरूप कोई सा भी हो, लेकिन हमारा आंतरिक जो है, अंतर जो है, उसमें एक ही आत्मा निवास करती है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का निवास हर शरीर में होता है, चाहे बाह्य भेद उसके अलग अलग हैं, बाहरी रूप से वो अलग अलग है। माया देख के जगत लुभाना काहिरे नर गरबाना। अब वो मनुष्य से कहते हैं कि ये सांसारिक माया को देख करके तू लोभ में पड़ जाता है। ए मनुष्य, संसार में व्याप्त जो माया है, माया से मतलब माया किसी प्रकार की हो सकती है, धन दौलत की भी माया हो सकती है, सुख ऐश्वर्य के साधनों की भी माया हो सकती है, रूप और यौवन के सौंदर्य की भी माया हो सकती है, तो सांसारिक माया को देख करके तू क्यों लुभाया हुआ है, क्यों उसमें ललचाया हुआ है, क्यों उसके लालच में खोया हुआ है, कायरे नर गर्वाना, इस बात पे तू क्यों मनुष्य, ए मनुष्य तू इस बात का गर्व करता है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं तो नश्वर है, वो तो नष्ट हो जाएगी। आपका शरीर, सांसारिक वस्तुएं जितनी भी हैं, वो सारी की सारी नश्वर हैं, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो ए मनुष्य तुझे किस बात का गर्व है, तू सांसारिक माया के ऊपर गर्व करता है, ये तो कभी भी नष्ट हो सकती है। तो यहां पर वो कहते हैं काहिरे नर गर्वाना, ए मनुष्य क्यों गर्व करता है, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो भगवान में भक्ति रखते हैं, वो निर्भय होते हैं, उन्हें किसी चीज का कोई डर नहीं होता, क्योंकि उनकी आस्था ईश्वर में होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, अगर तू ईश्वर की भक्ति में रमा हुआ है, पूरी तरह से निर्भय हो चुका है, तो तुझे कोई भी चीज सताएगी नहीं, व्यापे मीन्स कोई भी चीज तुझे सताएगी नहीं, तू निडर और निर्भय होकर के पूरे संसार में विचरण कर सकता है, क्योंकि तेरे ऊपर ईश्वर का विश्वास, तेरा विश्वास ईश्वर के ऊपर है, इसलिए तुझे कोई भी चीज सताएगी नहीं, कोई भी कष्ट तुझे दुख नहीं देगा, क्योंकि तेरे साथ ईश्वर है। कहे कबीर दीवाना, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो दीवाना हूं, इसलिए मैं आप सब लोगों से ये बातें कहता हूं। दीवाना उसको कहते हैं जिसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती। दीवाने का एक अर्थ सांसारिक चीजों के त्याग से भी है, दीवाने का मतलब होता है किसी एक चीज के लिए पागल हो जाना। तो कबीरदास जी स्वयं को दीवाना कहते हैं क्योंकि उन्हें सांसारिक चीज से कोई लेना देना नहीं, ईश्वर में आस्था रखते हैं। मूर्ति पूजन का इन्होंने शुरू से खंडन किया, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उनकी कई दोहों में मूर्ति पूजा के विरुद्ध बातें पाई जाती हैं। तो आपने देखा कि इस पद में उन्होंने ये साबित कर दिया, ये प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर एक है, उसकी सत्ता एक है, उदाहरण भी दिए उन्होंने उसके लिए, उदाहरण देकर समझाया
और स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी के धर्म से, किसी की जाति से, किसी के पैसों से, किसी माया मोह सांसारिक सुखों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो ईश्वर के नाम के दीवाने हैं। तो वो कहते हैं जो व्यक्ति भी ईश्वर में आस्था रखते हैं या ईश्वर के स्वरूप को मानते हैं, एक ही स्वरूप को मानते हैं, वो निर्भय होते हैं, उन्हें किसी चीज का कोई डर नहीं होता, वो बड़ा निडर होकर के विचरण करते हैं। तो ये पंक्तियां आपकी समझ में आ गई होंगी। अब मैं इस पद में निहित शिल्प सौंदर्य के बारे में आपको बताऊंगी। पद में सबसे पहले अगर आपके लिए आ जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य दीजिए, तो आप उसमें सबसे पहले भाषा का वर्णन करेंगे, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा है या पचमेल खिचड़ी भाषा में लिखा है, सदुक्कड़ी भाषा ज्यादा उपयुक्त रहेगा। आप लिख सकते हैं इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, और कहीं कहीं उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। उन्होंने नंबर दो परमात्मा को ज्योति के स्वरूप में या प्रकाश की एक शक्ति के रूप में उनको माना है, स्वीकार किया है और बताया है कि ईश्वर हर कण में उपस्थित है, कण कण में ईश्वर का निवास है। मनुष्य को गर्व करने से दूर करने दूर रहने के लिए कहा है। इनमें आप देखिए एक 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 शब्द की एक से अधिक बार पुनरावृत्ति होने पर एक ही वाक्य में वहां आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। हम तो एक एक कर जाना, तो यहाँ पर एक एक में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार कई स्थान पर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें एक ही वर्ण एक से अधिक बार जब पास पास प्रयोग किया जाता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसमें आप अनुप्रास अलंकार भी ढूंढ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको कई जगह मिल जाएगा, वो आप लोग अपने आप स्वयं ढूंढ लेना इसमें, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें देखिए कि उन्होंने उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है, उदाहरण देकर के चीजों को समझाया है कि एक ही प्रकार की वस्तु है, एक ही प्रकार की वायु है, एक ही प्रकार का पानी है, एक ही प्रकार की ज्योति इनमें समाई हुई है। तो ईश्वर की उन्होंने अद्वैत सत्ता का समर्थन किया है। उनका ऐसा मानना है कि जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वो नरक के भागी होंगे, उनको नरक ही प्राप्त होगा। और उसके अलावा पद शैली में लिखा गया है, इसमें बाद में जाना पहचाना समाना साना इनमें आपका पद्मैत्री अलंकार है, और गाया जा सकता है क्योंकि तुकान शब्दों का प्रयोग है, इसलिए हम इसको गा भी सकते हैं। तो मैंने आपको इस एक दोहे का वर्णन किया। इस दोहे से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको बोलना चाहूंगी, वो आप मैं लिख के दे रही हूं आपको, वो दो प्रश्न आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर अगले दोहे पर अगले पद पर आते हैं, तो आप लिखेंगे मैं आपको प्रश्न दे रही हूं। क्वेश्चन नंबर एक, ईश्वर की दृष्टि में इसके समर्थन में उन्होंने क्या सकती है।
क्वेश्चन नंबर टू, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? ये दो प्रश्न आप इस पद से लिख कर लाएंगे, लिखेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगले पद पर बढ़ते हैं, कबीरदास जी के अगले पद पर। पद थोड़ा लंबा है, इसकी पंक्तियां थोड़ी सी लंबी हैं। संतो देखत जग गौराना। अच्छा, इस पद में उन्होंने इस संसार में जो पवित्र, जो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा ज्ञानी, धर्मगुरु और पंडित पुरोहित बताते हैं, वो कभी कभी, हर एक के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कितना दिखावा करते हैं, कितने आडंबर करते हैं। उन्होंने इस पद में बाह्य आडंबर में प्रहार किया, केवल जो बाहरी आडंबर दिखावा जो होते हैं ना, झूठ, उस पर उन्होंने एक प्रहार किया है। और ये भी बताया है कि अधिकतर लोग अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचानते और अनजाने में ही जो संसार में ज्ञानी बने फिरते हैं, ऐसे ढोंगी लोगों की संगति में आ जाते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं, अपने अंदर के गुणों से बेखबर रहते हैं। तो इसमें पद में उन्होंने बाह्य आडंबरों पर करारा प्रहार किया है, आप सुनिए इसको। संतो देखत जग गौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पत्याना। संतो मीन्स ये सज्जन पुरुषों, देखो ये संसार तो बोरा गया है, बोरा मीन्स बोरा ना मतलब पागल हो गया है, बिल्कुल पागल हो चुका है ये संसार, तो पगला गया है। साँच कहो तो मारन धावे, साँच मीन्स सच्ची बात, अगर मैं सच्ची बात कहो माने कहता हूं तो मारने के लिए धावे मीन्स दौड़ता है, तो मुझे मारने के लिए दौड़ता है। और झूठे जग पतियाना, और जो झूठ बोलते हैं, जो झूठे दिखावे करते हैं, ऐसे लोगों का ये संसार विश्वास कर लेता है। पतियाना का अर्थ होता है विश्वास कर लेना। तो इन दो पंक्तियों में देखिए उन्होंने बताया कि हे सज्जन पुरुषों, देखो ये संसार पागल हो गया है, अगर सच्ची बात कहो तो आपको मारने दौड़ेंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको बुरा कहेंगे, और अगर आप झूठ बोलते हैं तो ऐसे लोगों पे ये संसार विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, और आतम मार पखाने ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में ऐसे ऐसे अनेक लोग देखे हैं जो कि नियम कायदे कानून के अनुसार चलने का दिखावा करते हैं, और ऐसे ऐसे धर्म मानने वाले लोगों को देखा है जो कि बड़े ही कट्टर धर्म के पुजारी बनते हैं, दिखावा करते हैं, सुबह सुबह प्रातः काल उठते ही स्नान कर लेते हैं। वो बता रहे हैं कि ऐसे नियमी और धर्मी, ऐसे नियमी और धर्मी लोगों का क्या कार्य होता है। मैंने इस संसार में जाने कितने नियमों का पालन करने वाले, कितने धर्म का पालन करने वाले, कट्टरतापूर्वक ऐसे लोगों को देखा है जो कि प्रातःकाल उठते ही स्नान कर लेते हैं, आत्म मार पखाने ही पूजे, आत्मा में, आत्म मीन्स अपनी आत्मा को, अपने अंदर जो आत्मा स्थित है जिसमें ईश्वर का निवास है, उसको मार के पखाने ही, मीन्स पाखा, पाषाण का ये अभ्रंश है, इसका अर्थ होता है पत्थर, पत्थरों को पूजने जाते हैं, अपनी आत्मा को अंदर नहीं देखते कि हमारी आत्मा में कितनी अशुद्धता है, और पत्थरों को पूजने जाते हैं प्रातः काल स्नान करके। पत्थरों से तात्पर्य है मूर्तियों से, क्योंकि मूर्तियां भी पाषाण से ही निर्मित की जाती हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि मूर्तियों को पूजने जाते हैं, और उनमें कछु नहीं ज्ञाना, जिनमें की कोई ज्ञान होता ही नहीं। मूर्तियों में क्या ज्ञान होता है,
कुछ नहीं, वो तो मूर्ति तो मूर्ति है। ये हमारी आस्था है कि हम उसको ईश्वर का रूप समझ के पूजा करते हैं और मानते हैं, लेकिन आस्था तो हमारे दिल में है ना। बहुत से लोग उस मूर्ति को एक पत्थर की मूर्ति मान करके सोचते हैं कि इसमें क्या शक्ति हो सकती है, और बहुत से लोग उस मूर्ति के लिए ये सोचते हैं कि इसी में हमारा ईश्वर नियत है। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि मैंने ऐसे ऐसे नियम और धर्मों को मानने वाले देखे हैं जो कि प्रातःकाल स्नान करते हैं, पत्थरों को पूजने जाते हैं और अपनी आत्मा के विकास के लिए कुछ नहीं करते, आत्मा को दबा देते हैं, जो अच्छे विचार आते हैं उनको दबा देते हैं, और उन मूर्तियों को पूजने जाते हैं जिनमें कोई ज्ञान ही नहीं होता। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े कितेब कुराना। मैंने बहुत सारे ऐसे पीर औलिया, पीर औलिया मीन्स धर्मगुरु साधु संत लोगों को मैंने देखा है पढ़े कितेब कुराना, जो कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कह मुरीद तदवीर बतावे उनमें वो है जो ज्ञाना, कह मुरीद और उन्हीं के अनुसार अपने शिष्यों को, मुरीद माने शिष्यों को, तदवीर माने उपाय बताते हैं कि तुम ये उपाय करो, तुम ये मंत्र पढ़ो या तुम ये उपाय करो तो तुम्हारी किस्मत समझ जाएगी। उन्हीं के आधार पर वो उन अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं, तदबीर बताते हैं, उनमें वो है जो ज्ञान, उनमें जो भी ज्ञान है, जो किताबों का ज्ञान है वो ही था उनके पास, तो उनमें क्या ज्ञान है ऐसा, उसी ज्ञान को वो अपने शिष्यों को बता देते हैं, जो कि वो कुरान शरीफ और उनको पढ़ करके ज्ञात करते हैं। आसन मार डिम्ब दर बैठे मन में बहुत गुमाना, आसन लगा लेते हैं सारे भक्त लोग जो आते हैं उनके सामने आसन लगा लिया और डिम्ब धारे बैठे, डिम्ब मतलब होता है आडंबरों का दिखावा करना, डिम्ब माने दिखावा करना, आडंबरों, उन आडंबरों को धारण करके बैठ जाते हैं, उन मन में बहुत गुमाना और मन में बड़ा गर्व रहता है कि हम बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा हैं, बहुत पहुंचे हुए पीर औलिया हैं, हम बहुत पहुंचे हुए धर्मगुरु हैं, उनके मन में घमंड रहता है और मन घमंड से भरा होता है, गर्व से अहंकार से भरा होता है कि मेरे समान कोई नहीं है, मैं तो धर्मगुरु हूं, और सबके सामने दिखावा करते हैं, आसन लगाकर बाहरी आडंबरों को ओढ़कर बैठ जाते हैं। पीपर पातर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना, पीपल की पूजा करते हैं, पत्रों की पूजा करते हैं और तीर्थ स्थानों को भुला देते हैं, पीपल और पत्रों की पूजा करते हैं और तीर्थ स्थानों का जो महत्व है उसको भूल जाते हैं। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, टोपी लगा लेते हैं राम नाम की और गले में तुलसा जी की माला पहन लेते हैं, माला डाल लेते हैं और छापे यूं जो लगाते हैं और तिलक बीच में, छाप तिलक अनुमाना, वो सारी चीजें लगा लेते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाने, साखी शब्द गुरु के द्वारा जब ज्ञान दिया जाता है तो उनमें कुछ मंत्र होते हैं, उनको साखी और शब्द बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि साखी और शब्दों का गान करते हैं, उनको गाते हैं और ये भूल जाते हैं कि आत्मा में क्या चल रहा है, आत्म खबर ही न जाना, आत्मा की खबर नहीं होती उनको, आत्मा के बारे में भुला देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा में कितनी गंदगी भरी है, आत्मा का हमारा रहस्य क्या है, वो ये सब कुछ भूल जाते हैं, साखी शब्द गाते रहते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से उन्होंने बाह्य आडंबरों की पूजा करने वालों को, बाह्य आडंबरों को दिखाने वालों का विरोध किया है। यहां पर वो आगे कहते हैं, हिंदू कहे मोए राम प्यारा तुर्क कहे रही माना, हिंदू लोग कहते हैं कि हमारा राम है, हम राम में भक्ति रखते हैं, रामचंद्र जी हमारी नैया को पार लगाएंगे, राम ही हमारे, और मुसलमान कहते हैं कि रहीम है,
मुसलमान कहते हैं कि हमारा तो रहीम है, अल्लाह है। आपस में दो लड़ लड़ मुए मरम न कहूं जाना, और आपस में इसी बात को लेकर दोनों लड़ लड़ के मर जाते हैं। लड़ लड़ मीन्स लड़ लड़कर, मुए माने मर जाते हैं, लेकिन कोई भी सत्य का मर्म नहीं जानता। किसी ने भी सत्य नहीं जाना कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है। घर घर मंत्र दे फिरते हैं, घर घर जाते हैं द्वार द्वार, वहां पे मंत्र बताते हैं कि ये मंत्र पढ़ो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मंत्रों को बताते फिरते हैं, मंत्रों का जाप करने के लिए लोगों को बताते फिरते हैं। महिमा के अभिमान इन्हें बड़ा ही, अपनी महिमा का अभिमान होता है, बड़े अहंकार में डूबे होते हैं। इन्हें ये लगता है कि इन मंत्रों के जाप से अगर किसी का भला होता है तो उसने हमारी महिमा जी, हमारी महिमा का गुणगान किया जाएगा। तो ये सारे के सारे महिमा के अभिमानी हैं, यानी अहंकारी लोग हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना, ऐसे गुरु अज्ञानी गुरुओं की जब आप शरण में जाते हैं तो सारे के सारे शिष्य भी अंधकार में डूब जाते हैं और अंत समय पछताते हैं। आपने कहा अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर उनका अंत भी बहुत बुरा होता है। जैसे अज्ञानी गुरु की शरण में अगर आप जाएंगे तो अज्ञानता ही तो साथ लाएंगे। तो यहां पर वो कहते हैं कि गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, यानी गुरु के साथ साथ सारे शिष्य भी उस अंधकार रूपी अज्ञानता में डूब जाते हैं। बूढ़े भी डूब जाना, अंतकाल पछताना, और अंतिम समय जब आता है तो उस समय पछताते हैं कि हमने क्यों ऐसे गुरुओं की शरण ली कि जिनमें की खुद ही अज्ञानता थी। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भरम भुलाना, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों आप सुन लीजिए, इस सारे भ्रम को भुला दो। ये सारे भ्रम हैं, ये आपको भटकाते हैं, इनको भुला दो। कहते कहो कहां नहीं माने सहज सहज समाना, वो कहते हैं कि मैंने कितनी बार कहा है लेकिन कोई मेरा कहना नहीं मानता। मैंने कितना कहा कि ईश्वर तो आपके हृदय में निवास करता है, ईश्वर के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई कहना नहीं मानता। बल्कि सहजे सहज समाना, यानी सरलता और स्वाभाविकता से आप जितने सरल होंगे, आप जितनी निष्ठा से ईश्वर का गुणगान करेंगे तो आपको ईश्वर तो सदा ही प्राप्त हो जाएगा। प्रभु की प्राप्ति को बड़ी सरलता से और बड़े स्वाभाविक रूप से अपनाना चाहिए, ऐसे अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाकर नहीं, मूर्ति पूजा करके बाह्य आडंबरों के द्वारा नहीं अपनाना चाहिए। अब इसमें ये आपको समझ में आ गई होंगी पंक्तियां, इसमें उन्होंने केवल बाह्य आडंबरों का और ऐसे पाखंडी और अज्ञानी गुरुओं का जिक्र किया है जिनके की साथ जाने पर हम खुद भी भ्रष्ट हो जाते हैं और हमारा भी कभी मोक्ष हमें प्राप्त नहीं होता। हम इसी सांसारिक माया मोह के दलदल में हमेशा फंसे रहते हैं। अब इसमें भी जब आप शब्द सौंदर्य लिखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन, पहला पॉइंट आपका होगा, उसमें आप लिखेंगे कि भाषा सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और साथ में ये भी बताया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए किसी बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी धार्मिक आडंबरों को करने की आवश्यकता नहीं होती है। ईश्वर तो बड़ी सरलता से, जो लोग सरल होते हैं उनके हृदय में वैसे ही निवास करते हैं, उनको वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, इनमें आप ये देखिए आपका अनुप्रास अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार कई जगह पर आपको देखने मिलेगा। पीपर पाथर पूजन, इनमें वर्ण की आवृत्ति होने से यहां पर अनुप्रास अलंकार है। पखाना ही पूजे, यहां पर अनुप्रास अलंकार है। कितैब पुराना, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। कई जगह पर आपका अनुप्रास अलंकार है, वो आप देख लीजिएगा। एक वर्ण की एक से अधिक बार जहां कहीं भी आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। इसको भी पदचाली में लिखा गया है। इसमें बौराना, पतियाना, असनाना, ज्ञाना आदि पीछे सारे तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको गाया जा सकता है। बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है, इसमें ईश्वर को अपने ही मन में स्थित बताया है। और उसके अलावा कई जगह इसमें
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, जैसे कि यह है आपका लरी लरी, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और एक से अधिक बार एक शब्द अगर आता है तो उसमें आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो यहां पर लड़ लड़ी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अंत में कबीर दास जी के द्वारा बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए पदों की रचना की गई है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें से भी मैं आपको दो प्रश्न दिए दे रही हूं जो कि आप घर से लिखेंगे बैठकर, और इसके साथ ही आपका ये अध्याय पूर्ण हो गया कबीर के गुरु। दूसरे पद से आप पहला नंबर क्वेश्चन कीजिए। पहले नंबर का क्वेश्चन है अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। क्वेश्चन नंबर दो है आपका, इसमें आप लिखेंगे कबीर ने ऐसा क्यों कहा है। संसार ये आपके दो प्रश्न मैंने दे दिए, इन्हें आप उम्मीद है कर लेंगे क्योंकि आपने पद को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।